ये नहीं, मोदी जी क्या विदेश नहीं थे 20 वाले में कह रहे हैं भी हम सारे देश हमारे देश हैं, कोई देश उनके साथ नहीं है, ये जुमलेबाजी खाली करते हैं भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री मोदी जो ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई देश में वहाँ जो आतंकवादी नरेंद्र मोदी झूठा है, कोई अगर देश में सबसे बड़ा झूठा है तो नरेंद्र मोदी झूठा है। उनका विकास सिर्फ शिलान्यास होता है, शिलान्यास का मतलब सिर्फ नाशे नाश होता है, कभी कहीं दिखाई नहीं धरातल पे, धरातल पे घर में चूल्हा जल जाए और उसकी बात छोड़िए, चूल्हा जले जाए बाहर में जाए, मोदी जी के साथ मतलब है नहीं। पैसे लेकर के मोदी की बात करते हैं तो कौन सा पत्रकार है? पत्रकार पैसे लेके मोदी की बात और क्या, मीडिया बिकी हुई है। जहाँ एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है, तो वही हम लोग जानने के लिए निकले हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता का रुझान क्या है। इसको लेकर आज हम जौनपुर ज़िले के खेतासराय में उपस्थित हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव में है, इसमें जनता का मूड क्या है, जनता के मन में क्या है, क्या नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल से 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है उनसे संतुष्ट हैं, क्या बीजेपी की योजनाओं से संतुष्ट हैं, सरकार की योजनाओं से, या उनसे असंतुष्ट हैं, या इंडिया गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले क्या शुभ नाम है? मेरा नाम गौरी शंकर है। गौरी शंकर है, तो 2024 का जो चुनाव करीब है इसमें ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं, विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है और बीजेपी कह रही है कि ये घमंडिया गठबंधन है, तो क्या लगता है आपको बीजेपी के जो कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, एकदम नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि बीजेपी ने छोटी छोटी पार्टियों को खुद गठबंधन बनाया है। अच्छा जी, जिनका कोई अस्तित्व नहीं उनको गठबंधन बनाया है। उनका विकास सिर्फ शिलान्यास होता है, शिलान्यास का मतलब सिर्फ नाशे नाश होता है, कभी कहीं दिखाई नहीं धरातल पे, धरातल पे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी ओबीसी समाज से आप? जी जी, एकदम ओबीसी समाज से, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं। अच्छा। कहीं नौकरी के नाम पे भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, कहीं नौकरी डिग्री है नौकरी नहीं। जी जी, डिग्री है नौकरी नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं सब डिग्री वाले हैं, सब डिग्री लेके बैठे हैं, कोई भी हम लोग बेरोजगार हैं। कबाड़ की दुकान चलती तो भी बंद हो गया, मोदी बंद करा दिए। G20 की बात होती है कि 20 देश आज भारत के साथ खड़े हैं, ये खबर चलती है कि प्रधानमंत्री जी के साथ आज 20 देश खड़े हैं। कोई देश खड़ा नहीं, ये सब गोदिया मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, ये सब गोदिया मीडिया वाले जो हैं यही सब कर रहे हैं। देखा ना कि कनाडा में क्या हुआ है? क्या शुभ नाम है? सुरेश कुमार। यानी SC समाज से हैं? समाज से हैं। तो SC समाज किधर जा रहा है? बीजेपी के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं, दवाइयों का आप लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए, 5 लाख की दवाई मुफ्त। ये खाली झूठ बोला जा रहा है। हम अपनी माता को लेकर हॉस्पिटल गए, उसमें एक पैसा ही नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं इसका इलाज होबे नहीं करेगा। ये तो खाली गुमराह किया जाता है, भाजपा सरकार जो है गुमराह कर रही है, एक पैसा नहीं है। मोदी जी रहेंगे कि जाएंगे? मोदी जी जाएंगे। मोदी जी बुढ़े हो चुके हैं, मोदी जी अब बुढ़े हो गए हैं, झूठ बोलते बोलते क्या हुआ? मानवाध्या मोदी जी बुढ़े हो चुके हैं, बाल पक गया, 73 साल गए, हम नौजवानों का आना चाहिए ना, और क्यों आना है जबरदस्ती बैठे? मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी नहीं तो अखिलेश यादव हो जाए, और भी तमाम चेहरे प्रधानमंत्री बन। हाँ क्यों नहीं, उन्हें बनाना चाहिए, मार्दिक बना देना चाहिए, और क्या, और तमाम हमारे ऐसे ऐसे नेता है जिन्हें बनाना चाहिए, बन सकते हैं, मार्दिक भी होना चाहिए, मायावती भी बन सकती है, आप लोग भी बन। यानी आप लोग बीजेपी को छोड़ के किसी को भी देखना चाहते हैं? किसी को बीजेपी इसलिए देखना नहीं चाहते हैं, रोजगार हो रहे हैं, जितने नौजवान हैं सब बेरोजगार हो रहे हैं। अरे मोदी जी खुटान वाले रोड की बात कर रहे थे, साला टूट के पड़ा हुआ है, यहाँ गृह मंत्री आज भी हैं, फिर भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई काम नहीं, जो प्रजापति समाज है उनको फरवा दे रहा है। पप्पू और गप्पू इस रोड पे चल के दिखाएं, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप इस रोड पे एक बार चल के दिखाएं कि आप कैसे जाएंगे खुटान तक। यहाँ बता रहे हैं कि सड़कों की बड़ी समस्या है और ये नितिन गडकरी जी का फेलियर बताया जा रहा है। एकदम फेलियर है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, एकदम। क्या नाम है आपका? धर्मराज पाल, इस
खेतासराय से तिगरा पैदल भी नहीं चल सकते आप, साइकिल गाड़ी से बात किलोमीटर नहीं जा सकते, तिगरा तो बड़ी दूर है, एक किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते। एक मुद्दा हो गया, पीएससी पे पहुंचने से पहले ही डिलीवरी हो जा रही है। अच्छा, इतना ज्यादा समस्या है, गड्ढे इतने ज्यादा आजकल लग रहा है, गाड़ियां सारी कबाड़ हो गई। मैं कल जौनपुर जा रहा था तो 112 की गाड़ी, 108 की गाड़ी जो है रसरी बांधा हुआ, रसरी टांग उठाए खड़ी हुई। समस्या होगी पीडब्ल्यूडी की रोड की, दूसरी क्या समस्या, दूसरा क्या मुद्दा बताइए, दूसरी समस्या क्यों नहीं है? सारे लोग बेरोजगार है, सारे लोग शिक्षित है, नौकरी कहीं दिखाई दे रहा है? आप कहना है डिग्री है नौकरी नहीं, यही कहना चाहते हैं? एकदम एकदम। और सारी चीजें आप प्राइवेट कर रहे हो, आउटसोर्सिंग पे भेज रहे हो, इसे क्या होने वाला? किसी को नहीं मिले तनखा, किसी में 10 साल से 10 महीने से काम कर रहा है उसको अभी तक तनखा नहीं मिला। अच्छा, ब्लॉक में फौज में भर्ती होते थे 4 साल के लिए कर दिए मोदी, पहले लोग 15 साल को होते थे। तमाम व्यवस्था 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, रिटायर हो क्या करेंगे उसके बाद? क्या करेंगे उसके बाद? क्या करेंगे? क्राइम करेंगे, निशानेबाज होंगे। अग्निवीर लाने से जो लोग मौका नहीं मिलता था उस सबको मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसा वो जो है 21 साल की उम्र में बेचारा जब रिटायर हो जाएगा फिर क्या करेगा? रोजगार एक समस्या हो गई आप लोगों की। पकौड़ा बेचेगा कि चाय बेचेगा मोदी की तरह? मोदी जी ने कहा पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार होता है। अरे तेल इतना ज्यादा है, इतना महंगा हो गया है, 200 रुपए लीटर रिफाइंड किलो का बेसन हो गया है, वाले 7 रुपए तो कहाँ से बेचेंगे? समोसा बेच रहे हैं महंगाई की वजह से। मोदी का लड़का 20 रुपया चाउमीन प्लेट बेच रहा है, क्यों? महंगाई की वजह से ना? मोदी जी जब सारी महंगाई खड़ी कर दी है तो बिजनेस कैसे करेगा, पकौड़ा कैसे चलेगा? मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है मीडिया में, ये सब मीडिया, ये सब गोदी मीडिया अपने आप कर रहा है। मोदी जी के बज रहा है डंका, ये सब गोदी मीडिया उनका प्रचार कर रहे हैं कि हाँ विदेशी ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया है। वो बहुत सही किया है, क्या बहुत सही किया है? ऐसे झूठों का बहिष्कार होना सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा पत्रकारों का बहिष्कार सही है, एकदम सही है। सही चीज दिखाते ही नहीं, सही चीज कोई दिखाता है? सबका नहीं, पत्रकारों हाँ एकदम एकदम। वो कभी धरातल पे सही चीज पूछे? सही चीज जनता की आवाज उठाई जाए, पत्रकार का मतलब होता है जनता की आवाज उठाई जाए, जनता की समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन पैसे लेकर के मोदी की बात करते हैं तो कौन सा पत्रकार? अच्छा, है पत्रकार पैसे लेके मोदी की बात और करते? और क्या, मीडिया बिकी हुई है। देखिए मीडिया के ऊपर गंभीर आरोप आ रहे हैं, पत्रकार पैसे लेके मीडिया की बात करते हैं। क्या शुभ नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी ओबीसी से, ओबीसी समाज से। तो क्या माना जाए, ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है यूपी में भी देश में भी, तो ओबीसी वर्ग इस समय किसके साथ है? मीडियम चल रहा है कि मोदी जी का डंका बजा? इंडिया के साथ है। हाँ हाँ, किसके साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ। किसके साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ। आप किसके साथ हैं? इंडिया गठबंधन के साथ है भाई। देखिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है जौनपुर जिले से। ये लोग कह रहे हैं कि ये सब इंडिया गठबंधन के साथ है, उन्होंने गिनाई की डिग्री है, नौकरी नहीं है, रोड नहीं है, महंगाई बहुत है और तमाम समस्याएं इन लोगों ने गिनाई। हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? राजेश कुमार यादव। मैं मीडिया के जरिए बताना चाहता हूं सरकार को कि 17 सितंबर बेरोजगार दिवस लोग जब मनाते हैं तो मोदी जी अपना जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन वाला जो टैटू, जो पिक्चर, जो स्ट्रक्चर जो पेपर में आता है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगता है, वो पैसा कभी गरीब को दे दें, हाँ कितने घर में चूल्हा जल जाए। और उसके बाद छोड़िए चूल्हा जले जाए बाहर में जाए, मोदी जी की मतलब है नहीं।